नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। गांव के बुजुर्गों ने नाबालिग लड़की को पूरी तरह पीटा, रिश्तेदार के साथ भागने का आरोप। आंध्र प्रदेश के अंतरपुर जिले से एक बेहद खौफनाक खबर सामने आई है। यह एक गांव में नाबालिग लड़की की पिटाई का वीडियो सामने आया है। अन्य लोगों की मौजूदगी में गाँव के बुजुर्ग ने नाबालिग लड़की की पिटाई की। यह लड़की पर आरोप है कि वह रिश्तेदार के लड़के के साथ भाग गई थी। पति को छोड़ विदेश जा रही थी पत्नी, रोकने के लिए एयरपोर्ट पर कॉल कर पति ने बोला प्लेन में बैठी है फिदाइन। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक अफवाह ने सभी को हिला कर रख दिया। एक शख्स ने एयरपोर्ट कॉल सेंटर को कॉल कर बताया कि मिडिल ईस्ट के लिए जाने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट में कॉल गर्ल बैठी है। 8 अगस्त को ये घटना हुई थी, जिसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से केस सॉल्व कर लिया। पति पत्नी को रोकना चाहता था, ऐसे में उसने फ्लाइट को सस्पेंड कराने के लिए कॉल सेंटर में कॉल लगाकर फ्लाइट में फिदायन होने की बात की। दिल्ली और चेन्नई एयरपोर्ट ने ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद पता चला कि ये एक झूठ कॉल था। घटना के 9 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए लिखा कि 29 वर्षीय निसरुद्दीन ने खुद की ही पत्नी को फिदायन बता दिया था। एयरपोर्ट में बॉम्ब होने की झूठी खबर को सॉल्व कर लिया गया है। गाजियाबाद में दरोगा ने खुद को मारी गोली, बिजनौर में सिपाही ने भी की आत्महत्या। उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर एक सब इंस्पेक्टर पर और एक सिपाही ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सब इंस्पेक्टर ने गाजियाबाद के कवि नगर थाना क्षेत्र में गोली मारकर खुदकुशी की, जबकि सिपाही बिजनौर कलेक्ट्रेट परिसर में तैनात था। दोनों ही मामले की जांच जारी है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।